मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं प्रोफेसर हूँ वायलेट डिपार्टमेंट में एएमयू में। सर ये बताइए, बताया जाता है कि आपने वॉल्व के ऊपर शोध भी किया था, इसके लिए अनुदान मिला था, कितना अनुदान मिला था और कब ये शोध किया? ये शोध हमने 92 से 95 तक किया था। महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है एक जो है, वो उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं, औरंगाबाद है, क्या बोलते हैं, उस्मानाबाद है, बीड है, ये उसके एडजेसेंट एरिया है। इनमें सारी जगहों पे वुल्फ है। तो एक जो है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का जो है, ग्रासलैंड इकोलॉजी प्रोजेक्ट, और वो जो है उसमें जो है शोध किया था। उसमें चार पांच जगहों पे रिसर्च चल रही थी ग्रासलैंड्स में, इकोलॉजी ऑफ ग्रासलैंड। तो वुल्फ जो है ग्रासलैंड एरिया में रहता है, ग्रासलैंड और श्रबलैंड, मतलब ये फॉरेस्ट का जानवर नहीं है, ये ओपन एरियाज में रहता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ मतलब इंडिया में जो बेस्ट ग्रासलैंड्स है वहाँ पे हमारे जो है स्टडी सेंटर्स थे, स्टडी साइट्स थे। तो वहाँ पे सोलापुर एक साइट था, वहाँ पे मैंने अपना पीएचडी का वो किया था जी, शोध किया था इस पे, वुल्फ पे। सर कितना अनुदान मिला था आपको? उस पे जो है डॉक्टर असद रफी रहमानी साहब थे, यहाँ पहले फॉर्मर चेयरमैन भी थे, उनका रिसर्च प्रोजेक्ट था वो। तो वो जो है मेरा में ऐसे ही 50 लाख के करीब जो है प्रोजेक्ट था जी वहाँ। और शोध में क्या पाया? उसमें जो है हमने वुल्फ का जो है उसका हैबिटेट क्या है, उसका प्रे बेस क्या है, क्या चीज खाता है वो, कितना जो है लाइफ स्टॉक खाता है, भेड़ बकरी खाता है, कितना जो है उसका नेचुरल प्रे जो है ब्लैक बक है, चिंकारा है, या आपके जो है ये खरगोश है जंगली, इनको कितना खाता है भाई, ये इसका क्वांटिफिकेशन किया था हमने। और जो है कौन कौन से मतलब टाइम है जिस वक्त जो है वो जो है ज्यादातर लाइफ स्टॉक पे मतलब स्विच कर जाता है। तो हमने जैसे देखा कि भाई जो है जब इसका ब्रीडिंग होती है, जब बच्चे इस पे छोटे होते हैं, तो ये ज्यादातर जो है लाइफ स्टॉक पे भेड़ बकरी पे ज्यादा किल करता है, क्योंकि खरगोश वगैरह पे करता है, लेकिन ज्यादातर जो है लाइफ स्टॉक पे आता है, क्योंकि उसको जो इसका नेचुरल प्रे है जैसे ब्लैक बक, काला हिरन जिसे बोलते हैं, चिंकारा है, उनको हंट करने में काफी टाइम लगता है उनको जो है। तो उसको बच्चों को रेडीमेड फूड चाहिए तो इमिडिएटली वो जो है लाइफ स्टॉक पे जाता है, और काफी जो है हैवी जो है लाइफ स्टॉक का किलिंग होती है उस वक्त जब बच्चे इसके छोटे होते हैं, डिपेंडेंट होता है बच्चों बच्चे इस पे। सर इसकी अगर ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो किस तरीके से करें? क्रॉस ब्रीडिंग जो है एक्चुअली वुल्फ जो है इस एंडेंजर स्पीशीज है, शेड्यूल वन में है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल वन में है। तो इसको जो है इस पर शोध करने के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और जो है और इसको पकड़ना तो मतलब नामुमकिन है, लेकिन यह है कि मतलब जब परमिट दिया जाए, रिसर्च दिया जाए तो पकड़ा जा सकता है। तो इसको क्रॉस तो नहीं करवाते जी, लेकिन क्या होता है कि जहाँ इसके नेचुरल एरियाज हैं वहाँ पे फ्रिंज एरियाज में जो डॉग पॉपुलेशन है उनसे कई बार ब्रीड कर लेता है, उनके साथ क्रॉस कर लेता है, क्योंकि जो है सेम जीनस है इसका, कैनिस इसका डॉग का भी है, कैनिस ही वुल्फ का भी है। तो डॉग जो है इसी वुल्फ से इवॉल्व हुआ है, तो वहां पे वो ब्रीड कर जाता है। तो वो कई बार जो है वो जो है बच्चे जो हाइब्रिड जो होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, जो लिटरेचर में पाया गया है, पढ़ा है हमने जो है, तो उसमें लिखा है कि भाई जो है वो हाइब्रिड जो है वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, और वो जो है जनरली जो है अटैक जो है ज्यादा करते हैं, उनमें ह्यूमंस का फियर नहीं होता, आदमी उसे डरते नहीं है, तो वो बच्चों पे बड़े आदमी पे भी अटैक कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे इंस्टांसिस जो है इंडिया से भी हैं और जो है बाहर से भी हैं, जहां जहां वुल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में, वहां सब जगहों से इक्का दुक्का केस जो है रिपोर्टेड है। सर हाल ही में देखी गई है वुल्फ की एक दहशत, अभी बहराइच में भी सब चल रहा है जी। तो सर क्यों भी इतने आक्रामक हो जाते हैं, क्या रीजंस होते हैं जो जिस तरीके से दहशत का माहौल पैदा करते हैं? ओके, इसका मैं इसका दो तीन रीजंस है। एक्चुअली जो यूपी है, उत्तर प्रदेश में वुल्फ जो है बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले, 1930-40 तक जो है रिपोर्टेड है ऑलमोस्ट सारी जगहों से यूपी में, एक्सेप्ट जो कि बहुत डेंसली फॉरेस्टली जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको छोड़ के बाकी जगह सब था, यमुना के उसमें और गंगा के जो रवाइन होते हैं उनमें इसकी रिपोर्ट थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग जो है एडजॉइनिंग एरिया से भी सेटल होते गए, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है की कोई इशू नहीं है, तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर बहुत जरूरी है, वाटर की यहाँ वाटर टेबल बहुत ऊपर है, तो इसलिए लोग बहुत माइग्रेट किए हैं यहाँ पे और एडजेसेंट एरिया से भी। तो पॉपुलेशन बढ़ती गई ह्यूमंस की, तो वो जो इसका नेचुरल हैबिटेट था वो जो है सब एग्रीकल्चर में आ गई, और वुल्फ जो है वहां से वाइप आउट हो गया, और जो है कुछ एनिमल्स जो है रह गए जहाँ पे
थोड़ा बहुत इसका प्रे बेस नेचुरल है, जैसे काले रण जहाँ है, जहाँ चिंकारा है या जहाँ भेड़ बकरी बहुत ज्यादा है, उन एरियाज में ये थोड़ी इसकी पॉपुलेशन रह गई। तो जो इसको जो है, ये अंग्रेजों जब ब्रिटिश रिजीम था तब भी जो है बहुत सारे बच्चों पे अटैक रिपोर्टेड है यूपी में ही, और उस वक्त जो है मतलब ब्रिटिश लोग जो है एम्प्लॉय करते थे हंटर्स को, और जो है बहुत सारे एनिमल्स की रिपोर्ट है कि मारे वुल्फ जो है को शूट करके मार दिया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों पे अटैक कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है डिसअपियर हो गया ही, लेकिन जो जहां जहां रह गए एनिमल्स उनके लिए नेशनल प्रे जो इसका ब्लैक बक और है वो खत्म हो गया सारा ही। तो लाइफ स्टॉक को लोग गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इतना आसान नहीं होता उसको भी इसको लेना। तो मेन रीजन ये है कि यहाँ इसका नेशनल प्रे बेस खत्म हो गया जी, तो लाइफ स्टॉक रह गया है, और जहाँ ये इक्का दुक्का वुल्फ रह गए हैं उनको जैसे खेतों में या जो है झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं लोग जो है उनके पास जो है मतलब जो है टॉयलेट्स नहीं अंदर, तो जो है रात में बाहर जाके बच्चों को ले जाते हैं, तो ये जो है काफी होशियार एनिमल है। तो वहां से जैसे इसने एकदम पकड़ लिया बच्चों को, हमने जब 96-97 में और 2000 में इन्वेस्टिगेट किया था ये यूपी में, तो हमें यही लगा, हमने यही पाया कि ज्यादातर जो है रात में हो रहे हैं केसेस, अर्ली मॉर्निंग या रात में, जब बच्चों को लेकर के उनके पेरेंट्स जो है बाहर ले जाते हैं मतलब जो है उसके लिए शौच के लिए, तो उस वक्त जो है ज्यादातर केसेस जो है वो उन्होंने भेड़ियों ने वो बच्चे उठा लिए। तो मेन रीजन ये है कि अब जब ये ग्रुप्स पे रहते हैं तो इनका जो है क्या बोलते हैं वो जो है ना, जो बच्चा जो ग्रुप में जगह 3-4 बच्चे हैं, तो उन्होंने अगर वो सीख लिया कि भाई ऐसे ही बच्चों को पकड़ना तो बहुत आसान है, तो वो जो है फिर उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये टारगेट जो है बच्चे। प्रिकॉशन इसकी ये है कि आप जो है रात में छोटे बच्चों को बाहर में लेके जाएं, और जो है अगर आपके क्रैकर्स हैं फायर क्रैकर्स आप जो है लगाएं, मतलब पटाखे पटाखे डाल दें ताकि वो वहाँ आसपास कहीं हैं तो वहां से भाग जाएं, और जो है बच्चों को जो है मतलब ऐसे ना घूमने दें अकेले जो है खलियानों में, खेतों में, घर के आसपास जो है, जब ऐसी रिपोर्ट आ रही है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होता जी। लेकिन जब जहाँ एक दो भेड़ियों ने ये लर्न कर लिया है, सीख लिया है कि बच्चों को जो है उठाना बहुत ईजी है रादर के एक भेड़ या बकरी को उठाना, तो उस वक्त जो है बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। प्रिकॉशन यही कि वो अकेले वहां पे ना घूमे। सर भेड़िया वुल्फ डॉग में जो है डॉग के और वुल्फ के दोनों के जो है अपीयरेंस होती है जी, वो जो है वुल्फ जैसा भी लगता है और जो है डॉग जैसा भी लगता है, क्योंकि उसमें दोनों के जीन्स होते हैं और साइज भी उसका थोड़ा बड़ा होता है और वो अग्रेसिव होता है जी काफी। तो हाल ही में जो बहराइच में देखने को मिला था वो क्या था, वो भेड़िए थे या वो मतलब पिक्चर से तो भेड़िए लग रहे थे जी, पिक्चर से जो मतलब जो है केजीज में जो फॉरेस्ट पार्क में दो एनिमल पकड़े हैं तो वो जो है भेड़िए ही लग रहे थे नेचुरल जो है, लेकिन बाकी तो उसको जो है जेनेटिक एनालिसिस से ही पता लगेगा। जहाँ जू में भेजे उन्होंने गोरखपुर जो है वहाँ पे उनके ब्लड सैंपल्स लेकर के, तो देखा जा सकता है कि जीन की मैपिंग करके कि इसमें डॉग्स की जीन्स तो नहीं है। ये जहाँ पे प्रे बेस इसका बहुत ज्यादा है, जहाँ लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा है या उसका नेचुरल प्रे काला हिरन वगैरह बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे तो ये बड़े ग्रुप में रहते हैं, और जहाँ इसका प्रे बेस जो है नेचुरल बहुत कम है, लो डेंसिटी में है, वहाँ है एक दो ऐसे, तीन मैक्सिमम, चार मैक्सिमम, अदरवाइज एक दो होते हैं। झुंड में शिकार करते हैं, जनरली झुंड में शिकार करते हैं। और इसका जो यहाँ पे जो हो रहा है अभी जो है, इसका एक वजह ये भी है क्योंकि इसका फूड वहाँ पे नहीं है, नेचुरल प्रे नहीं है, तो इस वक्त जो इनके बच्चे जो हैं जो कि जनवरी में देते हैं डैम्स में, डैम्स जो है गुफा मतलब इसमें जो है खोदते हैं जमीन में और लंबी टनल बनाते हैं उसके अंदर देते हैं, तो अभी वो जो है बच्चे जो है बाहर निकलाएं, अब वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब जो है अपने जो उनका पेरेंटल ग्रुप है वहां से वो जाकर के दूसरी जगह सेटल होते हैं, तो इस वक्त जो है उनको ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि क्योंकि वो भूखे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी जो उनका नेचुरल एरिया है वहां को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां उनको बच्चे अगर मिल गए तो वो जो है क्योंकि भूखे हैं तो उस वक्त उन पे अटैक कर सकते हैं, तो यही टाइम है जब वो डिस्पर्स होते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स से जो है डिस्पर्स होकर दूसरी जगह सेटल होने जा रहे हैं, तो मतलब जो है पूरा इनका एनर्जी उसमें जा रहा है, टेरिटरी जो है नई जगह एस्टेब्लिश करने में, नई जगह देखने में, मतलब कौन सी जगह उनके लिए सूटेबल है, तो फूड उनको हंटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो जहां जहां बच्चा भेड़ बकरी मिल गई तो उसको जो है वो अटैक कर सकते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल होगा कि क्या अप्रोक्स बता पाएंगे कि कितना तादाद में भेड़िए यहाँ मौजूद?
बहुत मुश्किल है इस पर मतलब कमेंट करना जी, क्योंकि ये जो है इसका नेचुरल एरिया नहीं है जहाँ ये कर रहे हैं अटैक जो है वहाँ पे मतलब जो है मतलब इस वक्त जो है खेती है मतलब घनी मतलब जो है खेती है, तो उस टाइप का इनका नेचुरल एरिया में इस टाइप के घने डेंस वेजिटेशन में जाते ही नहीं है। लेकिन इन्होंने ये आल्टर्ड बिहेवियर है इनका, दिस इज नॉट ए नेचुरल बिहेवियर, क्यों जो है आप जो है गन्ने खेत में या मक्का खेत में चले जा रहे हैं, नॉर्मली ये जाते नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है यहाँ पे भेड़िए अब जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, और जहाँ जहाँ है ईस्टर्न यूपी में वो मेनली, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में जो है जैसे आपका बांदा है, झांसी है ना, ये सब जो है मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं है ना, तो वहां से ये मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन भेड़ियों की अच्छी है, तो वहां से जो है डिस्पर्स होके यहाँ आ जाते हैं, जो कई बार सेटल हो जाते हैं। तो ये भी एक है कि ईस्टर्न यूपी में क्यों ऐसा होता है कि वहां से जनरली इनको खत्म हो गए हैं सारे, क्योंकि प्रेवेस है नहीं, तो जब ये इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए कि बच्चों पे अटैक करने लगे तो इनको लोगों की सिंपैथी लेने के लिए मारना पड़ा है ना जी, तो वो अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कंजर्वेशन से जस्टिफाई नहीं कर सकते जी कि भाई ये दुर्लभ प्राणी है और इसको हम बचाएंगे, तो बच्चों उनका लोगों की सिंपैथी लेने के लिए उस वक्त जो है इसको करना पड़ता है कि इनको मारना पड़ता है, तो उसलिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं अब यहाँ पे, लेकिन ऑफ एंड ऑन जो है 2-4 साल बाद फिर एक दो केस इस टाइप के आ जाते हैं। तो मेरा अनुमान है कि हो सकता है वहाँ जो बिहार से लगा उत्तर प्रदेश का एरिया जो है बक्सा से, वहां से आ जाए, बिहार में भी अच्छी पॉपुलेशन है इसकी, उधर से मध्य प्रदेश में अच्छी है, तो वहां से आकर के जो है इक्का दुक्का एनिमल जो है वहाँ सेटल हो जाते हैं, तो जब इनको अब इनका नेचुरल प्रे नहीं मिलता, इनका अपना खाना जो है जो जिन जानवरों पे जो है मतलब जो है मारते हैं वो नहीं मिल पाते, तो फिर बच्चों पे भी अटैक करना शुरू हो जाते हैं।